अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर व्लॉग एंड अदर जूम मीटिंग। आज की जो जूम मीटिंग होगी इसमें हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे जो HEC टेस्ट कंडक्ट करती है, और आज हमारे साथ अदनान मौजूद हैं और इन USAT का टेस्ट दिया हुआ है, स्पेसिफिकली USATM का टेस्ट दिया हुआ है, और पिछले साल ये वेटिंग में थे और इस साल इन्हें दोबारा भी अप्लाई करना है, और इनके अच्छे मार्क्स थे, अबव एवरेज मार्क्स थे ऑब्वियसली, बस अनलकीली उनको चांस नहीं मिल सका जिसकी वजह से अब वो दोबारा अपियर होंगे। बट इस मीटिंग का मेन मकसद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि टेस्ट किस तरह का होता है, जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए, ताकि इशूज़ ना बन सकें बाद में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि सिलेबस नहीं है, पेपर पैटर्न कैसा होगा, टाइम कितना मिलेगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा है कि जो स्टूडेंट अवेलेबल हैं इस टाइम, जिनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, तो उनके साथ हम एक मीटिंग करेंगे जिससे शायद दूसरे न्यू कमर्स को फ़ायदा हो सके। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी इस टाइम जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है या उससे पहले साल के एक्सपीरियंस हैं उनके मुताबिक अभी एक टेस्ट रह गया है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम को अवेल करने के लिए, और वो टेस्ट यूजुअली जनवरी में ही होता है, और लास्ट ईयर 25 जनवरी को ऑलमोस्ट हुआ था टेस्ट, तो इस दफ़ा भी वो दिसंबर में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे आप लोग, और फिर आप टेस्ट अवेल कर सकते हैं और इससे आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम USAT की तरफ ही जाएंगे और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दूसरी वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले वेलकम अदनान, आपसे मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि आपने कौन सा USAT टेस्ट दिया था और आपके मार्क्स उस वक्त कितने आए थे? सर मैंने USM दिया था, मेडिकल MD कैट वाला दिया था, और मेरे 68 मार्क्स थे और उस दफा ना 71 वाले हो गए थे और मेरे 3 नंबर का डिफरेंस था, तो मैं वेटिंग लिस्ट में था। ठीक हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अदनान उस वक्त वेटिंग लिस्ट में थे, और वेटिंग लिस्ट का ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही काउंट नहीं होते, बल्कि यूनिवर्सिटी आपसे टेस्ट इंटरव्यू भी ले रही होती है, लेकिन एट द एंड आपका मेरिट नहीं बनता जिसकी वजह से आप लोग वेटिंग लिस्ट वाले रह जाते हैं। तो इसमें आप लोगों ने, हमारा मीटिंग करने का भी यही मकसद था कि आप लोग इसको सुनने के बाद जो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें आप कोशिश करें अच्छे से अच्छा अचीव करने की। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है जो टेस्ट होता है USAT, मतलब ये सारे पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा सब्जेक्ट डिफरेंस होते हैं USAT के बिल्कुल ऐसे स्पेशली, ही तो आप थोड़ा सा USATM का पेपर पैटर्न बता दें। जी एजाज भाई, इसमें वर्बल रीजनिंग होती है 20 MCQs, उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग 25 MCQs, उसके बाद फिजिक्स 8, केमिस्ट्री 8 और बायोलॉजी 14 MCQs होते हैं, और इसके बाद इसका पार्ट टू होता है। पार्ट टू में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, ऐसे होती हैं आर्गुमेंट बेस्ड और नैरेटिव बेस्ड। इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हम उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें ऐसे, और आर्गुमेंट बेस ऐसे 15 मार्क्स का होता है और जो नैरेटिव बेस ऐसे है वो 10 मार्क्स का होता है। बच्चे कुछ ये सोचते हैं कि इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, उर्दू में लिखेंगे तो कम इंप्रेशन जाएगा, ये चीज मैटर नहीं करती। मैंने हर दफा उर्दू में लिखे हैं और 20 मार्क्स में गेन कर गया हूँ हर दफा, टोटल 25 नंबर के होते हैं तो 20 मार्क्स अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। ठीक हो गया। और ये वर्बल और जो आपने स्टार्ट में बोला है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें किस तरह के MCQs होते हैं? समटाइम बच्चे पूछ रहे होते हैं कि हमने तो बायोलॉजी पढ़ी है तो ये मैथ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसको आपने कैसे सॉल्व किया था? ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट मैथ नहीं होती, 9th 10th 8th 7th में जो मैथ शामिल होती है वही शामिल होती है। अब हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की अगर बात करें तो उसमें पहले पहले होते हैं अरिथमेटिक, जो कि 6 नंबर का होता है, उसके बाद अलजबरा और फंक्शन होते हैं, बेसिक होते हैं, वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, वो 4 नंबर के होते हैं, और उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री 3 नंबर के MCQs आते हैं, उसके बाद इक्वेशन, इक्वेशन सिंपली ये होती है क्वाड्रिक फार्मूला कहीं पे लग रहा होता है, कहीं पे सिंपल सिंपल फार्मूला लग रहे होते हैं और वो 3 नंबर के होते हैं, उसके बाद सिनेरियो बेस होते हैं वो 6 नंबर के। तो सिनेरियो बस थोड़ा ओके बहुत मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी होते थे, बाकी किसी के लिए बहुत आसान होते हैं, वो हर एक के माइंड की बात होती है। ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो सिनेरियो बेस आप बोल रहे हैं, ये आर्मी में जिन्होंने अगर टेस्ट दिए होंगे तो उनको इसके बारे में काफ़ी आइडिया बिल्कुल होगा, और अगर नहीं आइडिया तो आप ऑनलाइन भी आइडिया ले सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन से, और ये मेरे ख्याल से बेसिक होते हैं। इसमें यूजुअली ये एज के बारे होते हैं या 10 साल बाद, 10 साल बाद स्पीड कितनी, ऐसे। जी बिल्कुल, तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इसका मतलब है कि कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं होगी इन टेस्ट में, और कैलकुलेटर अलाउ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल अलाउ नहीं होता, और
जरूरत नहीं भी होती, सुकून से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इतनी बड़ी वो भी लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देते, इतनी बड़ी कोई डिफिकल्ट मैथ भी नहीं देते वो, तो हो जाते हैं। तो सही सही। तो इसका मतलब है ये तो हो गए वर्बल और क्वांटिटेटिव साइड, उसके बाद आ जाते हैं हम सिलेबस के ऊपर। अब सिलेबस तो गिवन नहीं है, तो आप लोग कहाँ से तैयारी करते हैं और किन टॉपिक्स को आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे होते हैं? भी सबसे बेहतर तरीका यह है कि डॉगर की बुक ले लें, तो उसमें से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन भी अवेलेबल होते हैं, तो वो सबसे बेस्ट तरीका। हाँ, अगर आप ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, जिस तरह हमारे पास अब टाइम कम होता है क्योंकि हमारे साथ साथ यूनिवर्सिटी भी चल रही है और बाकी भी होते हैं, तो हम यूट्यूब की हेल्प लेते हैं। यूट्यूब पे हर एक टॉपिक के बारे में वो बता देते हैं बेसिक बेसिक, तो हम उन्हीं चीजों को पिक करके ना टेस्ट देने चले जाते हैं, उससे भी अच्छा खासा हो जाता है। अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है तो डोगर जाना बेहतर है। ओके, सो डोगर पब्लिशर की जो बुक्स मौजूद हैं उस इसका मतलब है वहाँ से काफ़ी रेलेवेंस हैं वो चीज़ें, वो जो क्वेश्चन। तो जो लोग देख रहे हैं जिनको डोगर पब्लिशर्स का नहीं पता है, वो मैं कमेंट में ही उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा बुक्स के। डिफरेंट बुक्स होती हैं, हर टेस्ट के लिए अलग बुक होती हैं डोगर पब्लिशर की। लाहौर में तो मिल जाती हैं, बाकी सिटीज़ में आप लोग किसी बड़े बुक शॉप पे आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ये बुक्स भी मिल जाएंगी। वहाँ पे सैम्पल पेपर मौजूद होते हैं, एग्जैक्टली पास पेपर नहीं होते, बट सैम्पल पेपर से आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से टॉपिक यूजली कवर हो जाएंगे इसमें। अच्छा, तो अब इसमें मैं एक चीज जी, इसमें जज मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं बुक्स आजकल, डाउनलोड अवेलेबल है तो डाउनलोड कर लें और उसको पीडीएफ निकलवा लें कहीं से, तो ये ज्यादा बेहतर रहता ये फ्री फ्री में मिल जाती हैं। है, मिल जाती है। जैसे भी मैंने भी एक तो डाउनलोड की है, मेरे पास भी इस वक्त भी पड़ी है। चलिए ठीक हो गया। मुझे अगर कोशिश कीजिएगा कि मुझे इनके लिंक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं ये कमेंट में लिंक्स डाल दूंगा, तो जिन लोगों को भी ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ उनका ले सकते हैं। और कोई कुछ लोग होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती जिनसे, तो इस वजह से वो लोग बुक भी परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगी नहीं होती, 300-400 की ही शायद मिलती होगी, या 400-500 कर लें। अच्छा, तो यहाँ पे हमने बात की थी USATM की, जो कि मेडिकल वाले हैं, लेकिन इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग की बात करें या दूसरे ICS वगैरह की, मेरे ख्याल से उसमें सिर्फ बायोलॉजी और मैथ की चेंजेस होंगी, बाकी सेम रहेगा। जी सर, बिल्कुल सेम होता है। मैथ के होते हैं उसमें 10 MCQs होते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी के जो होते हैं 14 MCQs, बस यही फर्क होता है मैथ और बायो में। अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ से आइडिया एग्जैक्टली हो जाएगा स्टूडेंट्स को कि कहाँ से तैयारी करनी है और कौन से टॉपिक्स शामिल होंगे। अच्छा, वैसे ओवरऑल अगर एवेल्युएशन आप करें तो टेस्ट किस तरह का होता है? मुश्किल होता है, आसान होता है, या बस मीडियम होता है? मीडियम से थोड़ा सा नीचे, मतलब आसान ही होता है, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होता, अगर तो सुकून इसका से हो मतलब ये जाता कि है। अगर थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस की हुई है या एक दो MCQ देखे हुए हैं स्पेशली डोगर वालों के, तो इजी हो जाएगा मेरे ख्याल हो से। जाएगा जी। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट का क्या इशू हो? कोई इशू होता है कि नहीं होता? इजाज़ भाई, कुछ बच्चों के लिए इश्यू होता है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं सेंसिटिव, वो एक ही एमसीक्यू पे सोचते रहते हैं कि हाँ भाई इसका ये है, उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो इस चीज से आप अवॉइड करें, आप मतलब टाइम मैनेज करके चलें। और मैं तो कहूंगा कि लास्ट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले कर लें, क्योंकि उसमें हमारे पास कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, तो उनको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ता है, उनको लास्ट में रख लें। एनालॉजी और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के हैं, इनको पहले कर लें। और टाइम का सीन ये होता है कि जहाज भी हमारे पास 100 मिनट होते हैं एमसीक्यूज वगैरह के लिए, और 40 मिनट जो हमारे पास होते हैं वो ऐसे के लिए होते हैं। ये वैसे लिखा होता है कि हमारे पास मतलब 40 मिनट इसके लिए, वो टोटल टाइम दे देते हैं, चाहे आप उसमें आप एमसीक्यू यूज करते रहे, चाहे आप उसमें ऐसे करते रहे, तो ज्यादा टाइम का इशू नहीं होता। लेकिन अब ये ना है कि बिल्कुल आप लेजी होके बैठ जाएं कि बस टाइम बहुत है टाइम बहुत है, फिर तो इशू होगा ही होगा, तो बस यही सीन होता है, ज्यादा इशू नहीं होता। तो टोटल टाइम इसका मतलब 1 घंटा 40 मिनट होते हैं। जी बिल्कुल, 1 घंटा 40 मिनट, लेकिन कहीं कहीं पे 2 घंटे दे देते हैं सिर्फ। अच्छा, वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है फिर मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें ये आपको एक साथ ही सारे दे देते हैं क्वेश्चन, ऐसे और सब कुछ एक साथ ही? जी जी यस, भी एक साथ ही दे देते। तो इसका मतलब है कि ऐसे भी ऑलमोस्ट एंड पे ही रखना चाहिए और क्वांटिटेटिव वगैरह भी एंड पे ही रखने चाहिए, उससे पहले सिलेबस के क्वेश्चन, क्योंकि वो स्टूडेंट उससे वाकिफ होते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक्चुअली मसला ये आ रहा था कि जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम बहुत कम है ये, तो इस वजह से आई थॉट कि बैचलर के लिए शायद कम होगा, बट
प्रॉबेबली लगता नहीं है कि मुझे कि बैचलर के लिए ये टाइम कम होगा, 1 घंटा 40 मिनट्स आर मोर देन इनफ अगर कोई करने वाला हो। और दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल ठीक थी कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही जगह पे स्टिक हो जाते हैं, उसके वजह से फिर उनको आगे वो बढ़ नहीं पा रहे होते और फिर टाइम गुजर जाता है और फिर बाद में बिल्कुल वो जिसे हम कहते हैं तुक्के लगाना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से नंबर बिल्कुल ही कम आते हैं। खैर, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपके ख्याल में? नहीं, इजाज़ भी बिल्कुल नहीं होती नेगेटिव मार्क। प्रॉब्ली ये रिज़ल्ट जल्दी ही आएगा लास्ट वाले का स्पेशली, क्योंकि उसमें क्योंकि जनवरी के एंड में जब टेस्ट हो जाएगा तो फरवरी के स्टार्ट में या फरवरी के मिड में प्रॉब्ली इनिशियल सिलेक्शन हो जाती है। HEC इस टेस्ट को कंसिडर करने के बाद इनिशियल सिलेक्शन करती है। सो आई होप कि इस टाइम USAT की तमाम कन्फ्यूजन्स हल हो गई हैं। HAT की ऑब्वियसली अभी रहती हैं टाइम मैनेजमेंट का स्पेशली, तो HAT का कोई अगर बंदा मुझे मिलेगा तो ज़रूर मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो यही थी आज की वीडियो USAT के बारे में, और मैं कोशिश करूँगा कि लिंक्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स जो भी हैं, या फिर मैं उनकी तस्वीरें भी डाल दूँगा ताकि आप लोग अगर बाई करना चाहते हैं तो बाई भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।